अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीनू लाइफस्टाइल। और आज है जुमा, तो आप सब लोगों को जुमा मुबारक। अल्लाह आप सब की परेशानियों को दूर करे और आप लोग अपनी ज़िंदगी में जो ख्वाहिशें रखते हो वो सारी ख्वाहिशें आपकी पूरी हों। अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहे हैं 1:30 हो रहा है अभी, और मैं जा रही हूँ कुछ पढ़ने के लिए। जैसे कि मैं जुमे के दिन बहुत सारी चीज़ें पढ़ती हूँ स्पेशली, तो इसलिए तो मैं अभी मतलब 2 बजे तक तो मैं नमाज़ पढ़ूँगी, और 1:30 बज रहे हैं तो पहले मैं यासीन शरीफ पढ़ लूँगी जितनी भी बार मैं पढ़ सकती हूँ, क्योंकि 3 से 4 बार पढ़ लो, कितनी भी बार पढ़ लो तो वो मैं पढ़ूँगी। उसके बाद नमाज़ पढ़ूँगी, उसके बाद कुछ काम करने हैं वो मैं करूँगी, बैंक जाना है अभी मैं वहाँ जाऊँगी। तो आज का जो स्केड्यूल है बहुत ज़्यादा टाइट होने वाला है, क्योंकि आज का दिन मैंने निकाला था, अपने हस्बैंड से बोला था कि आज आप मेरे लिए टाइम निकाल लेना, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम करने हैं तो प्लीज़ मेरे साथ चलना। तो कुछ काम तो मेरे नहीं हो पाए हैं क्योंकि किसी वजह से नहीं हो पाए हैं, बट थोड़े से मार्केट के भी काम है, कुछ बैंक के काम है, वो सारे काम मुझे करने हैं। तो इसलिए चलिए, तो फिर मैं बातें बाद में करूँगी आपसे, क्योंकि टाइम हो रहा है अभी तो मैं लेट नहीं हो जाऊँ, तो इसलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। घर से बाहर निकली हूँ और मुझे कुछ बैंक का काम है, तो मैं अपने हस्बैंड के साथ जा रही हूँ अभी, तो कुछ काम है। तो आज हम दोनों देखो फिर से मैचिंग सोचते नहीं है लेकिन फिर भी मैचिंग हो जाता है, ग्रीन ग्रीन एंड स्पेक्स तो एक जैसा, देखो ब्राउन ब्राउन, तभी हम लोगों ने ब्राउन लगाया आज, तो ऐसा मैच हो गया हम लोग का। तो बहुत बहुत ज़्यादा धूप हो रही है और आज, और मैं आपको दिखाऊंगी बाहर का वेदर, आप देख लो कितनी तेज वाली जोरों वाली धूप हो रही है आज बहुत। तो दोपहर में तो कहीं जाने का होता ही नहीं है, और ये मैं आपको दिखा दूँ, ये हम लोगों का म्यूज़ियम है, ये आप देख रहे हो साइड में दिख रहा है, तो ये हम लोगों का म्यूज़ियम है। ये जो रास्ता निकली है यहाँ पर एग्जीबिशन लगी हुई है, ये इस आगे वाली प्लेस पर एग्जीबिशन है जो ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुकी हूँ, ये ड्रीमलैंड महोत्सव। ये देखो ये, तो कभी जाऊंगी तो ज़रूर आपको यहाँ का जो फोर्ट है वो भी दिखाऊंगी जाके, क्योंकि मैं ही इतने सालों से यहाँ रह रही हूँ और मैं खुद भी नहीं गई हूँ कभी भी, मतलब एक बार गए हैं बहुत छोटे में, क्योंकि ना जो चढ़ाई होती है लिटरली उसमें पैरों की बैंड बच जाती है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है कहीं ऐसे जाने में। ये पीछे से पूरा इस तरह से है, ये आप देखो अंदर भी जैसे होते हैं बड़े बड़े से जो किले होते हैं, बड़े बड़े साइज में जो होते हैं, जैसे कि ये कुछ अंदर का इस तरह का है, यहाँ बाहर से टिकट लेना पड़ता है देन इसके अंदर जाकर, और ये यहाँ पर कभी जाना हुआ पॉसिबल तो आप लोग के साथ भी ब्लॉग शेयर करूंगी वो, और मुझे ज़्यादा कुछ ये फोर्ट वगैरह घूमने का बिल्कुल भी शौक नहीं है, लोगों को अच्छा लगता है बट मुझे नहीं पसंद है ज़्यादा, तो इसलिए चलिए। तो फिर अभी मैं अपना काम कर रहा हूँ जिसके लिए मैं बाहर निकली हूँ, मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। जो बैंक का काम था हो गया है, बहुत जल्दी होता है, बैंक बहुत ही अच्छा है, सारे लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं। तो मैं अभी जा रही हूँ लेने के लिए बिरयानी, क्योंकि आज जो फ्राइडे है, फ्राइडे को एक जगह बहुत ही टेस्टी बिरयानी मिलती है, तो वही चिकन बिरयानी लेने जा रही हूँ। तो वहाँ पे क्या है, 3 बजे तक बिरयानी मिलना बंद हो जाती है, इतनी डिलीशियस मिलती है, तो देखते हैं कि अभी जो बज रहा है 3:30 हो गए तो अभी मिल रही है या नहीं। और ना मेरे हस्बैंड इतने ज़्यादा बेसब्रे हैं कि बता नहीं सकती, मैं अगेन इनसे बोल रही हूँ कि कॉपीराइट आ जाएगा, लेकिन ये म्यूज़िक इनका इतना फेवरेट है कि उन्हें परवाह ही नहीं है कि बीबी ब्लॉगिंग कर रही है, तो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से हम लोग की इतनी फाइट होती है, सुनते नहीं है मेरी बात, क्यों नहीं सुनते हो। आ गई बिरयानी की शॉप, बाद में बात करते हैं।
जस्ट मैं आ गई हूँ, बहुत ज़्यादा धूप है बाहर, दोपहर में कहीं से भी जाने का मन नहीं करता। 4 बज गए हैं, बिजली का काम हो गए हैं सारे और मैं लेकर आई हूँ एक कोल्ड ड्रिंक। बिरयानी लंच लंच हो गया है मेरा और बहुत ही डिलीशियस बिरयानी थी और बहुत मसाले वाली बिरयानी मुझे ज़्यादा पसंद है, मतलब मसाला बिरयानी मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। तो है ना वाइट राइस होते हैं वो खाने में बिल्कुल भी मुझसे ना अंदर ही नहीं जाते, तो ये जो बिरयानी में मसाले वाली बिरयानी मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। खा लिया है और अब मैं थोड़ा सा आराम कर रही हूँ क्योंकि 4:30 बज रहे हैं। तो अभी हो गई है इवनिंग, घर से चाय वाय पी के हम लोग घूमने के लिए निकल गए हैं। निकल रहे थे तो इनका मन कर गया कस्टर्ड खाने का, मेरे हस्बैंड का, पीछे भाई भी बैठा है उसका भी मन हो रहा था। तो हम लोग ने यहाँ निकल रहे थे तो बहुत फ्रेश यहाँ पे फ्रूट्स मिल रहे थे तो हम लोग ने यहाँ से फ्रूट्स बाय किए हैं और घर जाके मैं बनाने वाली हूँ कस्टर्ड। तो कस्टर्ड पाउडर भी नहीं है घर पर तो वो भी हम लोग बाय करेंगे और फ्रूट्स ले लिए हैं तो आज रात में मीठे में बनने वाला है कस्टर्ड। यस, ये मैं हूँ और ये मेरा भाई है और ये मेरे हबी हैं और हम लोग लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे आ गई हूँ घर, चेंज कर लिया है मैंने अपना और अभी मैं जो रात के बज रहे हैं 9:20 हो रहे हैं और कस्टर्ड बनाने जा रही हूँ। तो मैंने अपने अभी से बोला था कि मैं कल नेक्स्ट डे बना दूंगी बट बोल रहे हैं कुछ लेट नहीं हुआ है, बन जाएगा जल्दी से। तो ठीक है, मार्केट तो आज नहीं जा पाई, अब संडे को ही जाना पॉसिबल होगा, मार्केट कुछ ज़रूरी सामान लेना था मुझे तो मैंने सोचा आज चलते हैं फ्राइडे को, बट टाइम आज देख लो लॉन्ग ड्राइव में इतना ज़्यादा टाइम हो गया। और चलो तो मैं जल्दी से बना लेती हूँ कस्टर्ड और तो मैं कस्टर्ड बना रही हूँ, सब फ्रूट्स को वॉश करती हूँ अच्छे से और इस बार कस्टर्ड था नहीं कोई भी घर पर तो मैं ये वाला कस्टर्ड लेकर आई हूँ। ये है टॉप्स का कस्टर्ड पाउडर केसर इलायची, मोस्टली मैं वनीला यूज़ करती थी बट इस बार जो लेकर आई हूँ वो है केसर इलायची वाला। बातें हो गई हैं, बातें ज़्यादा नहीं करती हूँ नहीं तो लेट हो जाऊँगी बनाने में, 10-11 बज जाएंगे क्योंकि फिर उसे ठंडा भी करना पड़ेगा, दूध बॉईल करूँगी उसके बाद ही बनेगा। तो पहले मैं चॉपिंग करती हूँ फिर उसके बाद मैं जल्दी से बना लेती हूँ। हस्बैंड आ रहे हैं, बाहर खड़े हैं, कॉल आया है ऑफिस का तो फिर वही उसी में बिजी हैं वो, तो चलिए मैं काम कर लेती हूँ। डिनर हो गया है एंड अभी जो टाइम हो रहा है 11:00 हो रहा है और आने के बाद मैंने कस्टर्ड बनाया, ऑलमोस्ट 1 आवर लग गए कस्टर्ड बनने में क्योंकि चॉपिंग करना फ्रूट्स को लिटरली बहुत बड़ा काम होता है और सारे फ्रूट्स चॉप किए छोटे छोटे से स्लाइसेस में, मैंने सब कुछ चॉप कर दिया अच्छे से एंड उसके बाद अभी जो मिल्क है वो ठंडा हो रहा है, फ्रीज़र को फुल टेम्परेचर पे रखा है और अच्छे से ठंडा हो रहा है, उसके बाद फ्रूट मिक्स करेंगे। तो अभी मैं थोड़ा सीरियल वगैरह देखने लगी थी और अभी हस्बैंड बोल रहे हैं कि उसमें डालने वाले हैं आइसक्रीम तो उसमें अमेरिकन नट्स लेकर आ रहे हैं तो वही उसमें डालेंगे तो और भी अच्छा कस्टर्ड का टेस्ट आता है आइसक्रीम डालने से। तो बस उनका वेट कर रही हूँ क्योंकि मन ठंडा तो हो ही गया होगा, अभी जस्ट मैंने चेक तो करा नहीं है ना,
कि कैसा है, कैसा ठंडा हुआ है या नहीं, तो अभी तो चेक नहीं किया है। और 11 बज रहे हैं तो कितने बजे तक खाएंगे पता नहीं, अभी वो बाहर ही हैं लेने गए, टीवी देख रहे हैं। और आजकल ऐसा ना कुछ भी नहीं आता अच्छा, जब से बिग बॉस खत्म हुआ है तो मन ही नहीं करता है 10 बजे के बाद कुछ भी देखने का, 10:30 बजे के बाद से कुछ भी देखने का, क्योंकि कुछ भी ऐसा कुछ भी अच्छा आता ही नहीं है, तो कुछ भी मन ही नहीं होता है कुछ देखें या कोई सीरियल वगैरह। तो ऐसा लगता है कि बिग बॉस पूरे 12 मंथ्स आएगा तो बहुत ही मज़ा आएगा देखने के लिए, लेकिन 8 मंथ्स के बाद आएगा बिग बॉस, अक्टूबर या आई गेस नवंबर में आता है, तो इसलिए तो कुछ भी 10 बजे के बाद कोई भी सीरियल नहीं देखती हूँ मैं, 8 से 10 के बीच में ही 2-3 सीरियल देख लेती हूँ, और अभी और 10 बजे के बाद कुछ भी नहीं देखती हूँ, पिक्चर वगैरह ऐसी लगी है या सॉन्ग सुनती रहती हूँ, तो ये आ रहे हैं बस, उसके बाद तो सोने का ही टाइम होता है, तो आएंगे और टेस्टी टेस्टी सब खाएंगे कस्टर्ड। मैंने इसमें ये अमेरिकन नट्स डाली हुई है, ऊपर से टॉपिंग की है इसकी, और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लग रही है, ये देख सकते हो। हेलो, एक बज रहे हैं 12, तो मैं अपना कस्टर्ड अभी इंजॉय करूँगी, और ये बज रहे हैं 12, बहुत मज़ा आ रहा है आधी रात में कुछ मीठा खाने में, और चलिए मैं आराम से खा लेती हूँ और मैं ब्लॉग का यहीं एंड करती हूँ। आज मैंने फुल डे ब्लॉगिंग किया है, आफ्टरनून टू नाइट मैंने ब्लॉगिंग की है, मिलती हूँ अच्छे से नेक्स्ट अमेजिंग से ब्लॉग के साथ। चल दें, बाय बाय।